दोस्तों, अगर कोई फोटो या फिर वीडियो आपके फोन में पड़ा हुआ है और आप उस फोटो या फिर वीडियो को अपने लैपटॉप में डालना चाहते हैं तो वो कैसे डालेंगे, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अपने फोन से कोई फोटो या फिर वीडियो लैपटॉप में डालने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक डाटा केबल ले लेना है, ओके। और इस डाटा केबल को आपको सिंपली कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, एक साइड अपने फोन से और एक साइड अपने लैपटॉप से, ठीक है। इसको कनेक्ट जैसे ही आप करेंगे तो आपको आपके फोन में इस टाइप से कुछ ऊपर साइड दिखेगा। आप यहाँ पे जब स्क्रॉल करेंगे नोटिफिकेशन पैनल, तो यहाँ पे इस टाइप से दिखेगा चार्जिंग दिस डिवाइस वाया यूएसबी। आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ट्रांसफर फोटोज का। आप इस पे क्लिक कर लीजिए। ट्रांसफर फोटोज पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या कहते हैं, जो है इस टाइप से यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, मतलब मेरा फोन जो है लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे ये ऊपर एक आइकन दिखेगा दिस पीसी का, आप इसको ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है आपका फोन दिख जाएगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आप जब अंदर ओपन करेंगे तो आपको फोल्डर्स दिखेंगे। अब जिस भी फोल्डर में आपकी फोटो या फिर वीडियो पड़ा हो जिसको आपको लैपटॉप में डालना है, आप वो ओपन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे ये ओपन कर लिया और मान लेते हैं कि हमको ये जो फोटो है ये अपने लैपटॉप में डालनी है, ठीक है। अगर कोई वीडियो है तो आप उसको भी सेम प्रोसेस से कॉपी कर सकते हैं या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सिंपली राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे क्लिक कर लीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो है साइड में यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा दिस पीसी, आप इस पे क्लिक करिए। और यहाँ पे आपको जिस भी डिस्क में सेव करना हो, मान लेते हैं हमको ये डी में सेव करना है, हम इस पे क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना है। अब जब आप पेस्ट करेंगे तो आपकी वो जो फोटो है यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपने कोई यहाँ पे वीडियो कॉपी किया होगा तो आपका वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप से आप अपने फोन से कोई भी फोटो या फिर वीडियो अपने लैपटॉप में डाल सकते हैं। अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए मैं मिलता हूं आपसे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।